हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग बात कर रहे थे अपने करंट अफेयर्स सीरीज की 4 PM क्लास में, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास फटाफट। स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट क्लियरेंस करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे कुछ अवेलेबल कोर्सेज हैं जिसको आप लोग अपने प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करने के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स से। इसमें सबसे पहले जो करंट अफेयर्स है वो है एक चिड़िया की, एक बर्ड की, दैट इज फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ये न्यूज में इसलिए आई क्योंकि अभी फिलहाल 36 नेशनल गेम जब होने वाले हैं तो इसको एज अ मैस्कॉट चुन लिया गया है, यानी कि इसको एज अ सिंबल चुन लिया गया है। ये स्टेट बर्ड ऑफ गोवा है और यही इसका कंटेक्स्ट भी है, यही आपको जानना है। अगर इसके हैबिटेट के बारे में बात करें तो देखिए ये एंडेमिक टू साउथ इंडिया है, यानी कि साउथ इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वहां पर पाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तो जितने भी स्टेट्स हैं इन हर जगह पे ये चिड़िया पाई जाती है। IUCN की कैटेगरी में ये बर्ड लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है और शेड्यूल 4 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये आ जा रही होती है। नेक्स्ट अगर करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो देखिए एक रिवर है, एक नदी है जो काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, जिसका नाम है बूढ़ी डिहिंग रिवर। ये रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगर इसके कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो फिलहाल में अ मैसिव फायर ब्रोक आउट ऑन द बूढ़ी डिहिंग रिवर इन असम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलीग ड्यू टू एन ऑयल पाइपलाइन ब्लास्ट। तो एक ब्लास्ट हुआ जिसके कारण से ये बहुत ज्यादा ही फायर ब्रोक आउट हुआ था, इस कारण से ये न्यूज में आया था। और ये रिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट ब्रह्मपुत्र की, गंगा, यमुना की, कावेरी और गोदावरी, ये कुछ रिवर ऐसी हैं जिसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम लोग अपने ज्योग्राफी के सीरीज में देखेंगे, वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक और करंट अफेयर्स है और वो है जेबल अली गैस फील्ड के बारे में। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जेबल अली गैस फील्ड कहां पर है या किस कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है, तो आप बता देंगे UAE के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है, जहां पर एक बहुत बड़ा लार्ज नेचुरल गैस फील्ड पाया गया है। ये 2005 के बाद से ऐसा बोला जा रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट फील्ड है जो पाई जा रही है। इसके अलावा कतर में, ईरान में, इराक में काफी बड़ी बड़ी नेचुरल गैस फील्ड पाई गई है। तो आपको बस नाम याद रखना है कि जेबल अली गैस फील्ड कहां पर है, किस लिए फेमस है, क्लियर। इसके अलावा देखिए कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में है, तो हम लोग हालांकि इसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, जहां पर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को उसको अलग से देखेंगे, बट फिर भी यहां पर आप देख लीजिए कि कुछ कुछ टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे अमराबाद का हो गया जो कि तेलंगाना में है, नागार्जुन सागर का हो गया ये आंध्र प्रदेश में है, अन्नमलाई तमिलनाडु में, कलक्कड़, मुडनथुरई ये तमिलनाडु में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, मुदुमलई तमिलनाडु में, वायनाड केरल में, और बांधवगढ़ ये कर्नाटक में हो जा रही होती है। अगर यहां पे बात करें कि कौन से किसके पास में है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन दी गई है और पूछा गया है कि कौन कहां पर कैसे है, तो अगर आपको एक छोटी सी लोकेशन के बारे में बात किया जाए तो देखिए एक तो चीज याद रखिए कि दिस इज द लार्जेस्ट, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाती है अगर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो ये तो आंध्र प्रदेश में चली जाती है, अमराबाद ये चली जाती है तेलंगाना में, लेकिन हमारे पास बाकी ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये आ जाते हैं एक्चुअली बॉर्डर पे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ये एक दूसरे के साथ बॉर्डर एरिया में आते हैं, और यहां पर आ जाती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत में ही बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स आ जा रहे होते हैं। अगर आपको एक आइडिया देने के लिए अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो देखिए ये है हमारा अर्थ और यहां पर है हमारी इंडिया। इंडिया में अगर हम साउथ में आते हैं तो देखिए यहां पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में यहां पर आपको लोकेशंस दी गई हैं, लाइक कलक्कड़, मुदुमथुरई, ये देखिए तमिलनाडु में एकदम लास्ट छोर पे है, अंतिम छोर पे है।
लेकिन अगर यहां पर बात करें तो देखिए बहुत भीड़ लगी हुई है यहां पर लोकेशंस की। जैसे वायनाड के बारे में देखेंगे तो देखिए ये आ जाती है केरल में और एकदम बॉर्डर पे है। देखिए ये तीनों का बॉर्डर है, ये केरल हो गया, इधर में आपके कर्नाटक हो गई और यहां पर तमिलनाडु हो जाती है। तमिलनाडु साइड में देखेंगे तो सत्यमंगलम आपको दिखेगा। इस सत्यमंगलम पे और थोड़ा सा अगर देखेंगे तो देखिए यहां पर नीलगिरी भी आ जा रही होती है। तो वायनाड, नीलगिरी, सत्यमंगलम ये तीनों के तीनों बॉर्डर पे आ जा रहे होते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो अन्नामलाई, देखिए यहां पर टाइगर रिजर्व है अन्नामलाई, नीचे पालनी हिल्स वगैरह हो जाती है जो कि हम लोग मैप मेकिंग में ऑलरेडी देखे हुए हैं। बाकी बांधवगढ़ के बारे में बात करें तो देखिए बांधवगढ़ ये ऊपर आ जाती है आपकी। बांधवगढ़ यहां पर देखिए लोकेशन नहीं दिखाई गई है बट कर्नाटक में इस लोकेशन में ही बांधवगढ़ भी आ जा रही होती है। चलते हैं अपने वापस से करंट अफेयर्स में। तो आपको लोकेशन के तौर पे बांधवगढ़ पता चल गया, वायनाड पता चल गया, मुडुमलाई पता चल गया, सत्यमंगलम पता चल गया, कलक्कड़ मुडुंथुरई जो कि एकदम कोने पे यहां पर था ये भी पता चल गया, अन्नामलाई पता चल गई। तो आपको बेसिकली एक लोकेशन के बारे में आइडिया लग गया कहां पर कौन सी है। और बाकी हम लोग जब सेपरेट एक वीडियो देखेंगे, सेपरेट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारी एक छोटी सी करंट अफेयर्स है, दैट इज रिलेटेड विद प्यूरिफाइड टेरेप्थैलिक एसिड। अब देखिए आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है कि प्यूरिफाइड टेरेप्थैलिक एसिड क्या है, तो आप बता देंगे इट इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है पॉलिस्टर फैब्रिक को बनाने के लिए। बेसिकली होता क्या है, ये छोटे छोटे धागे होते हैं, यार्न होती है जो कई सारे धागों को मिलाकर के तब एक सिंगल बड़ी धागा बनाई जाती है जिससे कि पॉलिस्टर के कपड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं। ये न्यूज में क्यों आया, न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाई जाती थी वो हटा दी है। इस एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटाने के कारण अब ये जो प्यूरिफाइड टेरेप्थैलिक एसिड है ये सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं वो अब रिलेटिवली और सस्ते हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन उठता है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, तो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी से ये कैसे अलग होती है। अदरवाइज इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के सेक्शन में देखेंगे, बट स्टिल आप थोड़े से इनपुट डाला करिए, थोड़ा सा खोजबीन किया करिए जिससे कि आपको और क्लैरिटी आए। आगे करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स है जिसका नाम है टर्मिनेटर टेप। इस टर्मिनेटर टेप को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा स्पेस डेब्रिस के बारे में, स्पेस डेब्रिस। अब देखिए बचपन से आज तक आप लोग सुनते आए होंगे या फिर पास्ट 3 to 4 years में आप लोगों ने एक चीज सुना होगा कि हमारा ISRO, इसरो या फिर नासा, ये सारे के सारे काफी ज्यादा सैटेलाइट्स और बहुत सारे स्पेस मिशंस कर रखे हैं। इन स्पेस मिशन के कारण से होता क्या है, इनकी एक देखिए जितने भी लाइफ सैटेलाइट होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। इस लाइफ साइकिल के बाद 2-4 महीने या साल भर जितने भी लाइफ साइकिल होती है उसके बाद ये डेड हो जाते हैं, मतलब ये काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये सैटेलाइट और जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या जो भी इसके टूल्स हैं वो सारे के सारे स्पेस में तो घूम ही रहे हैं फिलहाल भी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगातार लग ही रही है इनके ऊपर। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब किसी नए सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो हमेशा एक हमें डर बना होता है, क्या जो नया सैटेलाइट है वो किसी डेब्रिस से टकरा तो नहीं जाएगा। इसलिए हमारे पास अब एक प्रिकॉशन बरतने के लिए हो जाती है कि हमें इस डेब्रिस को अब स्पेस से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज नियर फ्यूचर इतना ज्यादा इस डेब्रिस की ट्रैफिक बढ़ जाएगी कि हमें नए सैटेलाइट लॉन्च करने में काफी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस डेब्रिस को हटाने के लिए और इस तरीके के डेड सैटेलाइट को हटाने के लिए एक टेक्निक स्टार्ट की गई है जिसका नाम है टर्मिनेटर टेप। टर्मिनेटर टेप है क्या, इट इज टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रिस। अ कंपनी कॉल्ड टेथर्स अनलिमिटेड हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड एन इजी सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ सैटेलाइट वंस दे आर ऑफ नो यूज, जब किसी काम के लिए नहीं रहेंगे तो हटा दिया जाएगा। टर्मिनेटर टेप के बारे में बात करें तो देखिए एक छोटी सी नोटबुक के तरीके से होती है और बहुत ही हल्की होती है, मतलब लेस देन 1 kilogram होता है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद केवल ये रखना है, समझना केवल ये है कि जो भी स्पेस में इस तरीके से हमारे सैटेलाइट उड़ रहे हैं चारों ओर ये चक्कर काट रहे हैं ये एक टेप से बंधे होंगे,
लेकिन ये अभी नोटबुक काम नहीं कर रही है। ये नोटबुक में क्या है कि एक टाइमर सेट है। टाइमर का मतलब हमें पता है कि इस स्पेस का जो स्पेसक्राफ्ट है, मतलब कि जो सैटेलाइट है, उसकी लाइफ मुझे पता है, दो चार महीने जितनी भी है। इस लाइफ टाइम तक का मैं इसमें टाइमर सेट कर दूंगा, और टाइमर सेट करने पर जैसे ही ये डेड होगा वैसे ही ये हमारी नोटबुक एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने पे होगा क्या कि ये टेप के सहारे एक ड्रैग किया जाएगा, मतलब खींचा जाएगा। खींचे जाने के कारण जो ये सैटेलाइट प्लैनेट के अपना चारों ओर ऑर्बिट बना के घूम रही थी, वो अब ऑर्बिट को ब्रेक करना शुरू करके अंदर आना शुरू कर देगी। जैसे ही अंदर आएगी वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होने के कारण इस सैटेलाइट में आग लग जाएगी, और आग लग करके पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा ये नष्ट हो जाएगा, और ये जल करके पूरा स्पेस में इधर उधर चला जाएगा। एंड दिस इज हाउ हम अपने स्पेस डेब्रिस को साफ कर रहे होंगे। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था हमारे टर्मिनेटर टेप से रिलेटेड, समझ में आ गया होगा आपको। द कंपनी कॉल्स टर्मिनेटर टेप एन अफोर्डेबल लाइट वेट सोल्यूशन फॉर रिमूविंग स्पेस डेब्रिस फ्रॉम एन ऑर्बिट। इसके अलावा देखिए, डेब्रिस ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कोई नया सोल्यूशन निकाला जा रहा है। स्पेस डेब्रिस हमारे लिए पिछले 5 सालों से एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। इसके लिए नंबर ऑफ कंट्रीज ये अटेम्प्ट कर चुकी हैं कि वहां पर जाके स्पेस डेब्रिस को साफ सफाई कर सके, जैसे जापान, साउथ कोरिया, यूएस, कनाडा, रशिया, इन लोगों ने काफी अटेम्प्ट किए हैं जिससे कि हम स्पेस डेब्रिस को साफ कर सके, बट कोई एज सच अफोर्डेबल सोल्यूशन लेकर के नहीं आए थे। क्योंकि देखिए, इस टर्मिनेटर टेप का मतलब क्या है, खा पी लिए, अब इसके बाद से प्लेट को आपको हटाना है। तो खा पीने लेने के बाद प्लेट को कोई नहीं हटाता है, लेकिन अब ये प्लेट हटाना भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी अगर हम टर्मिनेटर टेप को इस तरीके से लॉन्च करते हैं। तो आइडिया लग गया क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ बिल्स के बारे में है, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो आपको जानना चाहिए। हालांकि बिल के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, क्योंकि बिल्स में चेंजेस होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, और चांस के मतलब एक्ट जब ये बदल जाता है तब उसके बाद से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। लेकिन थोड़ी सी आइडिया लेने के लिए देखिए, एक नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 ये पार्लियामेंट में लाया गया है। नाम से पता चल रहा है दिस इज रिलेटेड विद अ कमीशन जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। अब इसका किया क्या जाएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन विल बी टू प्रमोट इक्विटी बाय इंश्योरिंग एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड इन्फोर्स हाई एथिकल स्टैंडर्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल सर्विस इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो बेसिकली यहां पर एक तो इंश्योर करना है, पहली तो इंश्योर करनी है क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो जितने भी डॉक्टर हैं और जितने भी कह लीजिए कि नर्सेस वगैरह हैं, तो इन लोगों को मेडिकल प्रोफेशनल को क्वालिटी मेंटेन करनी है। इसके लिए इन लोगों ने एक नीट एग्जाम का आयोजन करना है, नीट एग्जाम ये लॉन्च करेंगे, जिससे कि जितने भी यूजी अंडर ग्रेजुएट या जितने भी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनकी क्वालिटी इनहेंस की जाएगी थ्रू दिस टेस्ट। और इसी टेस्ट के जरिए ये लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स को, जो कि ऑलरेडी अब फ्रेम में आ चुकी है। एंड इट विल इन्फोर्स हाई एथिकल स्टैंडर्ड। एथिकल स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, एक तो इनके करिकुलम में डाल सकते हैं पहली चीज, और दूसरी एक कमेटी बना करके, जो एथिकल कमेटी रहेगी जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी जो भी एक्शंस डॉक्टर्स के द्वारा या मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिए गए हों, और यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव भी है। द कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ 29 मेंबर अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विल हैव अ मैक्सिमम टर्म ऑफ 4 ईयर। देखिए ये बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चेंज हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होते हैं, केवल प्रोविजंस में चेंज आ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो द बिल सेट अप सर्टेन ऑटोनॉमस बोर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के आधार पर कुछ बोर्ड बनाए जाएंगे, जैसे आयुष का बोर्ड हो गया, जिससे कि जो हमारी खुद की आयुर्वेद हो गई, यूनानी हो गई, ये सब जितने भी हमारे मेडिकल टर्म्स हैं या मेडिकल के प्रैक्टिसेस हैं उनको हम लोग बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। दूसरा, एथिक्स के लिए भी एक ऑटोनॉमस बोर्ड बनाया जाएगा, और साथ में असेसमेंट करने के लिए, रेगुलर मॉनिटरिंग और चेकिंग करने के लिए एक असेसमेंट बोर्ड भी बनाया जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल के बारे में। अगली बिल के बारे में बात करें
तो देखिए एक ड्राफ्ट ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के बारे में बात किया है। बिल्कुल जानने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी मतलब कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पहले तो ऑस्मोसिस क्या होती है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। देखिए ये एक केमिकल टर्म है, केमिस्ट्री का टर्म है। होता क्या है, अगर मान लीजिए आप एक बीकर लेके रखे रहे या एक मान लीजिए बॉटल लेके रखे हैं और आधे पार्ट में फ्रेश वाटर है और दूसरे हाफ पार्ट में मान लेते हैं कि गंदा पानी है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर। इसके बीच में जब भी आप ये परमिबल मेम्ब्रेन जब भी अगर लगाएंगे या आप जो भी ब्लॉकिंग किए हैं, ब्लॉकिंग हटाएंगे, तो होता क्या है, ये लो कंसंट्रेशन पे है और ये हाई कंसंट्रेशन पे है। कंसंट्रेशन का मतलब कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स है इसमें। जब ये परमिबल मेम्ब्रेन आप हटाएंगे या फिर इसको फ्लो करने के लिए आप फ्री करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा मतलब कि जो करंट बहेगी वो रहेगी हाई, लो टू हाई, एंड दिस इज हाउ जो फ्रेश वाटर है वो भी कंटेमिनेट हो जा रहा होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, जहां पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो मूव करता है। लेकिन यहां से वाटर जो है वो इम्प्योर हो गया, हमें करना क्या है, हमें उल्टा करना है, मतलब कंटेमिनेटेड से हमें फ्रेश में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जो भी ऑस्मोसिस नेचुरल प्रोसेस है उसको उल्टा करके यानी रिवर्स ऑस्मोसिस करके। और यही काम हमारे आरओ प्लांट और जो घरों में आरओ वाटर लगे होते हैं वो सारा काम यही करते हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लीजिए 1 लीटर वाटर है तो उसमें 250 ग्राम वाटर जो होता है केवल और केवल प्योर फॉर्म में आता है, बाकी 750 जो होता है इसका वो वेस्ट वाटर में निकल जा रहा होता है। अब कुछ लोग होते हैं थोड़े वीआईटी टाइप के, वो क्या करते हैं, खाने के लिए, नहाने के लिए सब कुछ आरओ वाटर यूज कर रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा वाटर है वो 75% वेस्ट में चला जाता है, जिसके कारण से वाटर स्केर्सिटी प्रॉब्लम आ जाती है। इस पूरे सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने कहा है रिस्पॉन्सिबल आम जनता नहीं है, रिस्पॉन्सिबल आम जनता नहीं है। क्यों, क्योंकि आम जनता को जो भी मिलेगा वो तो यूज करेगी ही करेगी अपने अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम यहां पर कंपनीज के साथ है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसमें 75% वाटर जो है वो वेस्टेज हो जा रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको ऐसा अब बनाना है, अपना ऐसा एक प्लांट बनाना है, अपना ऐसा एक कह लीजिए कि सिस्टम बनाना है जिसमें पहले ये चेक करेगा कि इसकी पीपीएम लेवल कितनी है, मतलब इसमें कंटेमिनेशन कितनी है। अगर कंटेमिनेशन एक लिमिट के बराबर है और या उससे नीचे है तो वो ऑस्मोसिस नहीं करेगा, पूरा वाटर फ्रेशली हो दे देगा। लेकिन अगर उसमें कंटेमिनेशन है तो वो केवल और केवल अपना रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रोसीजर है वो अपनाएगा। और ये पूरा का पूरा काम किया गया है अपने इस ड्राफ्ट बिल के द्वारा। समझ में क्या चीज है, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इश्यूड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू प्रोहिबिट यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरिफायर वेयर टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड मतलब कि कंटेमिनेशन टीडीएस इन वाटर आर बिलो 500 mg/L। BIS will develop a system to monitor, assess and certify in consultation with CPCB and 6 months for final notification. तो ये तो खैर आपको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, जो मेन मुद्दा है वही आप याद रखिए। Enforcement किसके द्वारा होगा, Enforcement will be the responsibility of CPCB and State Pollution Control Board, Central और State दोनों का ही ये काम रहेगा। समझ में आ गया क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट locations है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे पहली लोकेशन है टोगो के बारे में, तो टोगो की लोकेशन एक बार फटाफट देख लेते हैं मैप में। तो ये हमारा देखिए अर्थ, अर्थ में जब आप अफ्रीका के रीजन में आ जाएंगे तो अफ्रीका में देखिए यहां पर जब आप आएंगे तो देखिए घाना, घाना के बगल में देखिए टोगो है, और टोगो एक काफी अच्छी चीज है कि गल्फ ऑफ गिनी के साथ ओपन हो रहा है। तो यहां पर आपको ये लोकेशन में ऐसे पूछी जा सकती है कि टोगो क्या ये गल्फ ऑफ गिनी में खुलती है, ओपन होती है कि नहीं होती है। इसके आसपास के नेबरिंग कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, लाइक घाना हो गई, बुर्किना फासो हो गई या फिर बेनिन हो गई। ये हमारे कुछ लोकेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कमिंग बैक टू आवर करंट अफेयर्स, टोगो में क्या चीज है, तो देखिये इट इज अ सब सहारन नेशन विथ अ गुड फ्लोइंग क्लाइमेट दैट सपोर्टेड्स डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अब मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया हुआ है टोगो के साथ, वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वो है कि आखिर में इसमें क्या चीज है, मतलब लोकेशन क्या है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और कुछ जगहों पे गिबी फैमिली आर स्पोकन इन टोगो, टोगो भी बोली जाती है।
इसके अलावा गल्फ ऑफ गिनी, इसकी भी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को दिखाई दिया कि अफ्रीकन, सब अफ्रीकन या फिर वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। एक छोटी सी न्यूज और है, दिस इज रिलेटेड विद वेलुथियम। वेलुथियम आपसे ये पूछा सकता है कि इस टर्म का मतलब क्या है या फिर किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे वेलुथियम एक तरीके का एलॉय है, एक तरीके का मिक्सचर है जब टिन और एल्यूमिनियम को मिला करके बनाया जाता है। तो न्यूज में क्यों आया? न्यूज में इसलिए आया क्योंकि फिलहाल केरल में एक जीसस क्राइस्ट की, कह लीजिए कि स्कल्पचर बनाई जा रही है जिसमें तीन मेटल्स मिलाए जा रहे हैं, और वो तीन मेटल्स कौन कौन से हैं? जिंक, कॉपर एंड वेलुथियम, एंड दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है वेलुथियम क्या है, नाम से आप पकड़ लेंगे कि केरल साइड का होगा, और आप बता देंगे कि ये एक तरीके का मेटल है जो टिन और एल्यूमिनियम को मिलाकर के बनाया जाता है। इसके बाद हमारी कुछ छोटी छोटी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें एक है मातला अभियान जो कि इंडिया और बांग्लादेश की, और दूसरी संप्रीति इंडिया बांग्लादेश। यहां पर आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मातला रिवर ये कहां पर है, यह है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर एरिया पड़ता है वहां पर आ जाता है मातला अभियान। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज की मैं आप लोगों को एक पीडीएफ ग्रुप पे लॉन्च कर दूंगा, ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, और वहां से आप डाउनलोड करके इसको याद कर लीजिएगा। हर साल लगभग एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें तो देखिए एक टर्म है मुक्ति कारवां, आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्ति कारवां से आप क्या समझते हैं, तो आप बता देंगे मुक्ति कारवां एक तरीके का कैंपेन है टू रेज अवेयरनेस अबाउट एविल्स लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। मुक्ति कारवां वॉज लॉन्च बाई नोबेल पीस लॉरेट कैलाश सत्यार्थी इन 1997, तो आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानना होगा। इसके बाद एक छोटी सी और न्यूज है जिसका नाम है ब्लू डॉट नेटवर्क। अब ये ब्लू डॉट नेटवर्क क्या चीज है? देखिए ब्लू डॉट नेटवर्क जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था इंडिया पैसिफिक बिजनेस फोरम इन बैंकॉक थाईलैंड, यहां पर लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। हुआ क्या था इसमें? इसमें कहा गया कि देखिए जितने भी प्राइवेट प्लेयर, पब्लिक प्लेयर या फिर एनजीओ या कोई भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे, और यही स्टैंडर्ड हम लोग बताएंगे आपको, सारा का सारा ये नेटवर्क बताएगा आपको, और इसी नेटवर्क का नाम है ब्लू डॉट नेटवर्क, जिसमें जो जो कंट्री पार्टिसिपेट करेगी उसके कुछ स्पेशल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, और वो लोग देख रहे होंगे, बता रहे होंगे क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्लू डॉट नेटवर्क किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे इट इज द सेटिंग अप द स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ है, और ये लॉन्च किया गया था 2019 में बैंकॉक थाईलैंड में। क्लियर? आगे अगर बढ़े तो आगे हमारी लोकेशन कुछ पॉलिटिकल न्यूज से रिलेटेड है, जहां पर कुछ जजमेंट वगैरह जुडिशियरी से रिलेटेड आ जाएगा, जहां पर जैसे पहला इसमें करंट अफेयर्स है वो है एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रिम जमानत। अग्रिम का मतलब क्या होता है? जो एडवांस में लिया जाता है। होता क्या है? मान लीजिए दिस इज अ मैन, एक आदमी है, और ये मान लीजिए कोई इंफ्लुएंशियल पर्सन है, तो जब इंफ्लुएंशियल पर्सन रहेगा सीधी सी बात है इसका 10 लोगों के साथ में कोई ना कोई पंगा जरूर रहेगा। तो अब क्या होता है, इसके जो भी सबऑर्डिनेट है या जो भी इसके बंदे हैं वो इसको लगातार कोई ना कोई केस में फंसाने की कोशिश करेंगे या कोई एलिगेशन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस एलिगेशन के कारण से हो सकता है कि इनको नॉन बेलेबल ऑफेंस के मतलब कंडीशन में इनको गिरफ्तार किया जा सके। तो जब भी इस तरीके के बंदे को, कोई इंफ्लुएंशियल बंदा जिसको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में फंसा सकता है, तो ये डायरेक्टली बिना जुर्म किए या बिना इस बंदे के एफआईआर किए ये बंदा डायरेक्टली हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट में जाकर के यहां से सारी कंडीशन को समझाने के बाद बता सकता है कि आप मुझे एक एंटीसिपेटरी बेल दे दीजिए क्योंकि इस तरीके के केसेस मेरे साथ हो सकते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट देखेगी क्या जो भी इन्होंने बोला है क्या उसके अंदर में एक्चुअल में ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर होगी तो वो लॉन्च कर देंगे इनको, दे देंगे उनको अग्रिम जमानत, और अगर नहीं होगी तो फिर इनके जो भी प्ली होगी इनकी कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा दिया गया है हमारे सीआरपीसी एक्ट में, इसके बारे में देख लेते हैं तो आपको एक और क्लैरिटी आ जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन ऑफ एंटीसिपेटरी और प्री अरेस्ट बेल, समझ में आ गया, कैन नॉट बी लिमिटेड टू एनी फ्रेम और फिक्स्ड पीरियड। तो अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो भी एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसका ऐसा नहीं है कि फिक्स पीरियड के लिए ही रहेगा, हो सकता है उसके बाद भी आपके केस हो जाए, तो इस वजह से कोई फिक्स पीरियड नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। फाइव जज बेंच हेडेड बाई जस्टिस अरुण मिश्रा सेड द कोर्ट कुड एक्सटेंड प्री अरेस्ट बेल विथ सूटेबल कंडीशन अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। तो आपसे सेक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी क्या है, तो आप बता देंगे दिस इज रिलेटेड विद अग्रिम जमानत या फिर एंटीसिपेटरी बेल। क्लियर हो गया क्या चीज है ये? तो ये हमारा सिस्टम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी बेल ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द एग्नोमी ऑफ डिटेंशन इन जेल फॉर डेज ऑन एंड एंड डिसग्रेस टू देयर रेप्यूटेशन। क्लियर? तो इनसे जो भी रेपुटेशन या जो कुछ भी इनको दिक्कत हो सकती है वो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जरा। आगे अगर बात करें तो देखिए यहां पर एक छोटी सी और भी करंट अफेयर्स है और वो है रिलेटेड विद ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में कहा है कि इट हैज डायरेक्टेड द स्टेट टू एस्टैब्लिश ग्राम न्यायालय विद इन 4 वीक्स टाइम स्पैन। 4 हफ्ते मतलब कि 1 महीने के अंदर अंदर में ग्राम न्यायालय सारे स्टेट वाले अपना बना ले। ग्राम न्यायालय के बारे में देखिए यूपीएससी ने 2016-17 में क्वेश्चन पूछा हुआ था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ग्राम न्यायालय के बारे में। हालांकि हम लोग पॉलिटी में कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहां पर अगर आपको एक आइडिया दे दिया जाए तो ये एक देखिए मोबाइल कोर्ट होती है और इसको बनाई गई है 2008 के ग्राम न्यायालय एक्ट के थ्रू। 2009 से इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था और इसके बाद से ये एक पावरफुल संस्था बन गई। होता क्या है यहां पर, इस न्यायालय में चूंकि आपको पता चल गया कि ये मोबाइल कोर्ट है यानी कि ये मूव कर सकती है इधर उधर जाकर के अपनी सिटिंग कर सकती है। जो भी इसके न्यायाधिकारी होते हैं, न्यायाधिकारी कहने का मतलब जो भी ग्राम न्यायालय को चला रहे होते हैं वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। इनको हेल्प करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं और इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इनके फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो देखिए सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मुद्दों को उठा सकते हैं और इनके द्वारा दिए गए जजमेंट को लोकल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर में। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा जो इस तरीके से चलता है। इसके अलावा देखिए एक और छोटा सा न्यूज है कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में, जहां पर मालदीव वापस से रीज्वाइन करने की बात कर रहा है 3 ईयर आफ्टर द नेशन क्विट द एसोसिएशन अमेंड माउंटिंग क्रिटिसिज्म ऑन इट्स ह्यूमन राइट रिकॉर्ड। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मालदीव में काफी ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था जिसके कारण से मालदीव पे लगातार क्वेश्चन उठ रहे थे कि आप अपने ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मालदीव ने एज पार्ट ऑफ रिजल्ट कॉमनवेल्थ की नेशन की जो भी मेंबरशिप थी उसको इन्होंने त्याग दिया था, इसको इन्होंने विड्रॉ कर दिया जिसके कारण से मालदीव अलग हो गया। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट मालदीव वापस से इस समय स्टेबल पोजीशन में आया है, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन में आया है और इसलिए वापस से इसको रीज्वाइन करने की बात कर रहा है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कॉमनवेल्थ क्या चीज है। अच्छा, दिस इज नाउ फॉर योर क्वेश्चन, आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि आखिर में कॉमनवेल्थ नेशंस क्या है, क्या है, किसको बोला जाता है। क्लियर? चलिए खैर, बुरुंडी एंड मोजाम्बिक ये भी रिसेंटली ये 2 कंट्रीज है जो कॉमनवेल्थ नेशन में अभी जुड़े हैं, इसलिए ये भी करंट अफेयर्स में ही है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ नेशन ये बनाया गया था लंदन डिक्लेरेशन इन 1949 के बेसिस पे। तो ये थी हमारी करंट अफेयर्स रिलेटेड विद दिस पॉलिटिकल न्यूज। आगे बात करें तो हमारे कुछ टिडबिट्स हैं, छोटे मोटे न्यूज है, उसको भी फटाफट हम लोग जरा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है डिजिटल पुम्पुहार। ये क्या चीज है डिजिटल पुम्पुहार? देखिए यहां पर केस ये है कि साइंटिस्ट टू डिजिटली रिक्रिएट तमिलनाडु पोर्ट सिटी स्वैलोड बाई सी 1000 ईयर्स एगो। हुआ क्या था कि अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो देखिए ये तमिलनाडु का जो एरिया हुआ करता था वो चोल डायनेस्टी के अंडर में था। चोल डायनेस्टी के टोटल 7 पोर्ट थे। इन 7 पोर्ट में जैसे इनको साउथ में पत्तनम बोला जाता है, पत्तनम पोर्ट्स को बोला जाता था पत्तनम, जैसे विशाखापत्तनम,
ठीक है, नागार्जुन पत्तनम, तो इस तरीके से हमारे नागपत्तनम, तो बहुत सारे हमारे पोर्ट हुआ करते थे, और वो पोर्ट हम लोग हालांकि हिस्ट्री में बात करेंगे, सातों पोर्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये एक आइडिया देने के लिए कि पत्तनम क्या है, और बाकी विशाखापत्तनम के नाम पर आप समझ भी गए होंगे कि पत्तनम मतलब पोर्ट। यहां पर हुआ क्या, डिजिटल पूंपुहार, इसी तरीके का पूंपुहार एक पोर्ट हुआ करता था जो कि तमिलनाडु में हुआ करता था, लेकिन ये बिकॉज ऑफ सम डिजास्टर, सुनामी वगैरह के कारण से या जैसे भी, ये पोर्ट जो है वो समुद्र के द्वारा, सी के द्वारा ये स्वैलो कर लिया गया, खत्म हो गया। तो साइंटिस्ट ने कहा कि यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चला गया तो कोई बात नहीं, बट हम उसकी जियोलॉजिकल स्टडी करके, उसको जियोडेसी स्टडी करके, हम लोग उसको डिजिटल एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, जहां पर लोग वर्चुअल तरीके से इसको फील कर सके व्हाट इज देयर। तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, चोला डायनेस्टी, पोर्ट सिटी पूंपुहार इन तमिलनाडु दैट वैनिश्ड फ्रॉम मैरीटाइम हिस्ट्री अराउंड 1000 ईयर एगो विल बी डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड बाय कंसोर्टियम लेड बाय डीएसटी। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पूंपुहार इज पार्ट ऑफ डीएसटी के इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आ जाता है। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पूंपुहार वॉज रिसेंटली इन न्यूज, वॉट इज इट रिलेटेड विथ, तो आप बता देंगे इट इज अ पोर्ट। ठीक है, ये एक पोर्ट है। इसके अलावा देखिए कुछ और छोटी छोटी न्यूज है, इनको फटाफट देख लेते हैं। तो एक है इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट, यही इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। ये एक यूनिक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, डीएसटी का। द इनिशिएटिव सपोर्ट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन रिसर्चर इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज। तो कुछ खास नहीं है, केवल और केवल डिजिटाइज फॉर्मेट में करने की बात की जा रही है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कल्चर का एक पोर्टल बनाया जा रहा है, नेशनल कल्चरल पोर्टल, जहां पर जितनी भी टेंजिबल और इनटेंजिबल चीजें हैं उन सब का डिजिटल फॉर्मेट में एक पोर्टल बना दिया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कल्चरल हेरिटेज से अब अवेयर हो सके। तो ये थी हमारी डिजिटल पूंपुहार न्यूज के बारे में और इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में। इसके अलावा देखिए कुछ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो लगातार न्यूज में बने रहते हैं, जिसमें से सबसे रिसेंट वन है और वो है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जो कि रावी रिवर पे एक ट्रिब्यूटरी है, उज ट्रिब्यूटरी उस पे बनाया जा रहा है। ये सारा का सारा कहानी शुरू होती है इंडस रिवर वाटर कमीशन के, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर का डिवीजन किस तरीके से हो उस पे डिपेंड करता है। इसकी मध्यस्थता मतलब मीडिएशन की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इस तरीके से इसके इंडस रिवर वाटर कमीशन में ये बोला गया कि टॉप की जितनी भी रिवर्स हैं, मतलब कि इंडस, झेलम एंड चेनाब, इन पर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कह सकते रहेगी, सॉवरेनिटी इन द सेंस कि इस पे जो भी प्रोजेक्ट लगाया जाएगा वो मेनली पाकिस्तान को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। बाकी जो नीचे की रिवर्स हैं, जैसे रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई, इन रिवर्स पे इंडिया का सॉवरेनिटी रहेगा, इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स लगाएगी। लेकिन इनमें ध्यान ये रखना है कि इनमें से चाहे वो पाकिस्तान का चाहे इंडिया का, दोनों का कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो वाटर डाइवर्जन से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो भी रिवर पाकिस्तान के सॉवरेनिटी में है उस पर भी इंडिया अपने प्रोजेक्ट लगा सकती है, और पाकिस्तान वाला इंडिया वाले पे भी प्रोजेक्ट लगा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए, जैसे रावी रिवर पे उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, चेनाब रिवर पे सलाल, बगलीहाल, रतले, दुलहस्ती और पाकाल दुल, ये हमने प्रोजेक्ट लगाए। किशन गंगा प्रोजेक्ट हमने रिसेंटली झेलम पे लॉन्च किया हुआ है। तो ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज करंट अफेयर्स। ये थी हमारी करंट अफेयर्स आज की। अगर आपको कोई डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां पे अपने आपको रजिस्टर कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट रेज कर लीजिए अपने डाउट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।